Hello and welcome. Welcome to this all new session on Indian Contract Act 1872. ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी हर इंसान की लाइफ में बहुत अहमियत है. क्यों और कैसे? देखिए, कोई भी और लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हर इंसान की लाइफ उस इंसान की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ. लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक ऐसा लॉ है जो इस दुनिया के हर इंसान फ्रॉम वोम्ब टू टॉम वो उससे जुड़ा रहेगा. हर दिन, हर पल, हर घड़ी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े रहते हैं. किस तरह से जुड़े रहते हैं? जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ क्या हुआ हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है. क्लियर? और फैन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है. जो आपने खाना खाया है, आप टूथपेस्ट खरीदने गए हैं, भैया ये टूथपेस्ट कितने का है? वो कहेगा 15 रुपीज का. ठीक है, तो आपने रेट पूछा. क्लियर? फिर यू गिव 15 रुपीज और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इज बाउंड टू गिव दैट टूथब्रश टू यू, टूथपेस्ट टू यू. समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम हर रोज जुड़ते हैं. और फ्रॉम वोम टू टोम वर्ड्स क्या यूज होते हैं? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जुड़े रहते हैं फ्रॉम वोम टू टोम. इसका क्या मतलब है? जन्म होने से पहले ही हम जुड़ जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ और उसके बाद भी हमेशा जुड़े रहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ. किस तरह से, किस रूप में, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. देखिए, हम वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम वोम टू टॉम. जब एक इंसान का जन्म होना है तब भी उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल के साथ, ठीक है, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज लेंगे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और जब एक इंसान की मौत हो जाती है तब भी उसके फ्यूनरल को लेकर कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल परवेसिव. हर जगह, हर रूप में आपको कॉन्ट्रैक्ट के टच में आना ही है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर जगह कहीं ना कहीं आपको टच करेगा. ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंपॉर्टेंस. और दूसरा, अगर आपको आईपीसी पढ़ना है, आईपीसी के जो ऑफेंसेस है जैसे कि मर्डर, हम में से कितने लोगों ने मर्डर होते देखा है? जैसे कि डकैती, हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने कितनी बार डकैती होती देखी? शायद कभी भी नहीं. मगर कॉन्ट्रैक्ट तो हम सबने ही बहुत खुद किए हैं. क्लियर? तो इसलिए और आगे भी करते रहेंगे. तो इसलिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट की, जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जी हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मैं आज सीधा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स के ऊपर लेकर चलूंगा, ठीक है. बाद में एक सेशन में इसके इतिहास पर भी लगाऊंगा और बड़ा जबरदस्त सेशन होगा वो, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यजनावल्क्य स्मृति से क्या लेना देना है, हमारे मनुस्मृति से क्या लेना देना है, हमारे वेदों से क्या लेना देना है, रोमन्स में क्या था, इस्लामिक लॉ में क्या था, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जब इसे लेके आई तब क्या हुआ, पहले किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड डिक्लेयर किया हुआ था, फिर आगे उसकी एक्सेप्शंस क्या थी, इतिहास क्या है, ठीक है, वो सब भी हम एक स्पेशल सेशन में करेंगे. पहले हम समझते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो समझना ज्यादा जरूरी है. क्लियर? मैं एक और डॉक्यूमेंट अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ठीक है, ये देखिए आपके सामने क्या है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. ये प्रिंसिपल लॉ है. दिस इज प्रिंसिपल लॉ. क्लियर? यानी कि बेसिक लॉ है ये, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडिया में. क्लियर? और आगे चलते हैं. देयर माइट बी अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द वेटिंग रूम, मैं सबको एडमिट कर लेता हूं, ठीक है. देन लेट्स स्टार्ट और आगे चलते हैं. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. मैं स्क्रीन पर
फॉन्ट साइज को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं. देन the act as enacted originally had 266 sections थे इसमें. ठीक है, इसका एक वाइड स्कोप था. इसके अंदर क्या कुछ था? सबसे पहले तो था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 1275. तो 1275 किससे डील करता है? जनरल प्रिंसिपल्स से डील करता है. क्लियर. और फिर इसके अंदर था एक पूरा का पूरा अध्याय सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो कि सेक्शन 76 से 123 था, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिपील कर दिया गया और एक डिस्टिंक्टिव स्पेशल एक्ट बना दिया गया. क्लियर. तो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर एक अलग से एक्ट बन चुका है. देन कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी. इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी जो सेक्शन 124 से 138 थे आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है और इसको आज की डेट में स्टूडेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 के रूप में जानते हैं. क्लियर. फिर पहले इसके अंदर पूरा पार्टनरशिप रिलेटेड लॉ होता था सेक्शन 239 से 266, मगर इसको भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिपील करके एक स्पेशल लॉ बना दिया गया. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्पेशल लॉ है और 1932 का लॉ है. क्लियर. और अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इस कारण से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पार्ट वन पार्ट टू. क्लियर. दो हिस्सों में डिवाइडेड है. जो पार्ट वन है वो सेक्शन 1275 है और पार्ट टू जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसकी तीन ब्रांचेस आ जाती हैं. पहला इंडेमनिटी गारंटी, दूसरा बेलमेंट और प्लेज और तीसरा एजेंसी. क्लियर. अब मैं फर्स्ट फेस में आपके ये 11 टॉपिक्स कवर करूंगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स सेक्शन 10 को डिटेल में हम करेंगे. सेक्शन 10 के अलावा भी तीन चीजें और हैं, वो कौन सी तीन चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है. फिर हम करेंगे ऑफर एंड इट्स एसेंशियल्स. ठीक है. ऑफर यानी कि प्रपोजल क्या है, फिर हम वो करेंगे. ठीक है जी. फिर हम उसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स, एक्सेप्टेंस उसके एसेंशियल्स, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें स्पेशल मेन सा क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. एक और मेन सा क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर मेंस में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं. अब देखिए जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डेफिनेटनेस लेके आना जो था वो हमारा स्पेसिफिक गोल था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने के पीछे. इससे क्या होगा, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन अगर कंफर्मड ही नहीं है कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा तो शायद ए इस अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आगे एक्स वाई और जेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा. और इस चीज को इंटरनेशनल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. आपको ध्यान होगा कि अब से 2 साल पहले ease of doing business बहुत ज्यादा न्यूज में था. ease of doing business ये क्या चीज है कि बिजनेस करने का इजीनेस कि आसान होना चाहिए बिजनेस करना. और इसमें रैंकिंग दी गई ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज को. क्लियर. और पिछले साल की जो रैंकिंग थी उस रैंकिंग से काफी डाउन आ गई इंडिया की रैंकिंग. तो जो इंडिया का जो इसमें रैंक था वो लो था, मगर उससे ज्यादा टेंशन की बात ये थी कि और लो आना शुरू हो गया. जितना ये डाउन होगा उतना ही भारत में FDI डाउन होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अभी कोरोना काल में क्या हुआ, ठीक है, कि चाइना के अगेंस्ट हो गया पूरा का पूरा
इंटरनेशनल लेवल पर जो पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो था वो एंटी चाइना हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, एमएनसीज थी, जैसे कि एप्पल, ठीक है, और भी ऐसी कई कंपनीज, उन सब ने क्या करना शुरू किया, विदड्रॉ करना शुरू किया। कहां से विदड्रॉ करना शुरू किया? चाइना से विदड्रॉ करना शुरू किया। और जैसे कोई किसी कंट्री से अपने प्लांट्स को विदड्रॉ करता है तो वो उसके ऑल्टरनेटिव कि उसके ऑल्टरनेटिव को वो सर्च करना शुरू करता है कि अब फिर किस कंट्री में अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाएं, ठीक है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि इंडिया शुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर सच एमएनसीज, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। वी वॉन्ट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ इन इंडिया, क्लियर। इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो साख हो, जो इंडिया एज एन इकोनॉमी की जो रेपुटेशन होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पर बिजनेस करना इजी है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग का हमारा रैंक बेटर होना चाहिए। मगर ये रैंक तो डाउन आ रहा था, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी में हो ये रहा था कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाना, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ना परफॉर्म करना, तो उसके खिलाफ जब हम रेमेडी मांगते थे कोर्ट से, तो क्या मिलता था? रेमेडी तो मिलती नहीं थी, रिलीफ जो हम मांगते थे वो तो मिलता नहीं था। क्या मिलता था? याद आता है सन्नी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, समझ में आया? इससे लोग परेशान होते थे। और जब इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर यूएसए में हर केस 6 महीने में खत्म हो जाता है, वहां इंडिया में अगर एक केस 20 साल चल रहा है तो वो आम बात मानी जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स डाउन आना शुरू हुआ। तभी हमने एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ठीक है, और हमने क्या किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जी हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि पहले डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती थी, कोर्ट की मर्जी थी कि स्पेसिफिकली कोर्ट को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस देनी है या नहीं देना, ये कोर्ट की मर्जी होती थी, इसको कोर्ट की डिस्क्रिशन रहना वाला काम खत्म कर दिया। इट इज नो मोर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट नाउ। व्हाट इज इट नाउ? शेल वर्ड यूज किया कि कोर्ट शेल अवार्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि इसको क्या बना दिया लॉ ने? मैंडेटरी बना दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपने जो जुबान दी है, यानी जो आपने वर्ड्स अपने दिए हैं, आपको अपने शब्दों को ऑनर करना होगा, आपको अपनी कमिटमेंट, देखिए आप जो किसी को जुबान दे देते हो, जो आप कमिटमेंट कर देते हो, आपको उस कमिटमेंट को फुलफिल भी करना होगा, पूरा करना होगा, अब आप मुकर नहीं सकते, समझ में आया? तो ये सब कुछ किया किसने? इस अमेंडमेंट, क्लियर। तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, फाइन। और आगे चलते हैं ताकि बिजनेस करना आसान हो जाए भारत में, और आगे चलते हैं। अब द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया, ताकि इस बात को पक्का किया जाए कि जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है वो रियलाइज हो जाएगी, क्लियर। और दूसरा, अ पर्सन इज इन सम वे, हर इंसान होम टू टोम इन वन वे और द अदर इज लिंक्ड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से आप जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। ऑल प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड एग्रीमेंट्स मस्ट बी ऑनर्ड, ये बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हम कहते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो बेसिक फिलॉसफी है वो कहां से आया है, इसकी बेसिक फिलॉसफी इंग्लिश इन नेचर है, यानी इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स पर आधारित है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
पर मैं सचिन गोयल डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग इस बात को पूरी तरह से सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर जो स्टडी किया, यहाँ के लोगों की सोच को भी स्टडी किया, और भारत वो देश है, हमारी संस्कृति वो मदर ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज, संस्कृत भाषा मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड है। जो यहाँ की सोच है वही सोच आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लॉ बनी। तो हम यहाँ पर सदा सदा से कहते आए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। यानी रघुकुल रीत, अब रघुकुल यानी भगवान राम के जो एंसेस्टर थे वो थे रघु, तो रघु के कुल की यह रीत है जो कि सदा चली आई, हमेशा से चली आई है, कि प्राण चाहे जाए पर वचन कभी ना जाए। भगवान राम के एक वंशज ने कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने जुबान दे दी थी, अपने शरीर टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपनी जुबान पूरी करने के लिए अपने बीवी बच्चों तक को बेच दिया था। तो हम सदा से, हमारी रामायण में ये बातें लिखी हुई है। तो ये सोच जो है, जो बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट इज वेरी मच इंडियन इन नेचर, क्लियर, वो इनहेरेंटली इंडियन है। और a contract has a very sacrosanct position whereby any promise or any agreement has to be performed even at the cost of life, pran dekar bhi aapko apna vachan pugana hota hai, at the cost of life, pran jaye par vachan na jaye। aur aage chalte hain, ab hum isi commencement ki baat karenge, short title, naam kya hai, ye kahan se pata chala, jo स्टार्टिंग सेक्शन होते हैं बेरेक्ट में, ये मैं दिखा रहा हूं आपको बेरेक्ट, ठीक है जी, ये बेरेक्ट है, और बेरेक्ट के स्टार्टिंग के सेक्शंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इसकी बात करते हैं। ये आ गया आपके सामने हमारा बेरेक्ट की स्टार्टिंग सेक्शन वन आप लोगों के सामने है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टडी करवाना चाहूंगा क्या, इसका जो प्रीएम्बल है, हर लॉ का अपना एक प्रीएम्बल होता है, उसी तरह से इसका भी है, और ये है इसका प्रीएम्बल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 of 1872, यानी सन 1872 में जितने भी लॉ पास हुए, दिस इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है संविधान के लागू होने से पहले जो लॉ थे, ये वो लॉज हैं जो ज्यादातर वो हैं जो ब्रिटिशर्स ने, जो किसने बनाए थे, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ लॉ है जो अभी बने हैं। और 1872 में जितने लॉ बने थे, ये 9th लॉ है। ये कब से, कब इसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, 25 अप्रैल 1872, क्लियर, और ये इसका प्रीएम्बल है। Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts, जैसे usury act, money lending act, और इस प्रकार के कई act थे जो उस समय भारत में थे, clear? और उन laws को कुछ को amend या repeal करके final shape इस प्रकार से दी गई। It is hereby erected as follows। फिर से बता रहा हूँ preamble क्या लिखा है। It is expedient, यानी यह सही रहेगा, टू डिफाइन, जो चीजें डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दो लॉज चला करते थे तब भारत में, एक तो वो लॉ चला करता था जो हिंदू लॉ पर आधारित था, और फिर वो भी लॉ चला करता था जो इस्लामिक लॉ पर आधारित था, और कुछ एरियाज ऐसे थे जो खाली थे, तो वहां पर इंग्लिश प्रेसिडेंट्स, जो वहां की कोर्ट मेड लॉ है, वो चला करता था। अब इन तीनों चीजों से जो चीजें निकलकर सामने आई, उसमें कुछ चीजों को डिफाइन करना जरूरी होगा, कुछ चीजों को सिमिलर लॉ सबके लिए हो, इसके लिए अमेंड करना जरूरी होगा, ठीक है। और फिर आता है शॉर्ट टाइटल, कि इस लॉ को क्या कहकर बुलाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यहां पर लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। It shall come into force on 1st day of September 1872. 25 अप्रैल को साइन हुआ था, ठीक है, मगर एप्लीकेबल कब से हुआ, 1st September 1872। और क्या ये आज की डेट पे जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है,
Answer yes. Then, nothing herein contained shall affect the provisions of any statute, act or regulation. अब देखो saving clause क्या करता है? Nothing herein, nothing, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और कर सकते हैं बड़ा, चलो जी, अब चलते हैं नीचे. Nothing herein contained shall affect, herein contained, यानी इस direct में, इस law में जो कुछ दिया गया है, उसमें से कुछ भी affect, affect यानी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, shall affect the provisions of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed. जो expressly repeal नहीं हुआ है वो valid ही रहेंगे, इस law के आने से वो automatically खत्म नहीं होंगे, ना ही इसका कोई प्रभाव किसी usage पे पड़ेगा, custom पे पड़ेगा, custom of trade पर पड़ेगा, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act. अब ये आखिरी लाइन ने सब कुछ बदल दिया. आखिरी लाइन क्या कहती है, उसको ध्यान से आखिरी के वर्ड्स देखिए. वो कहता है not inconsistent with the provisions of this act, यानी किसी लॉ, किसी यूजेज या किसी कस्टम ऑफ ट्रेड या किसी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो इन कॉन्सोनेंस विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. लेकिन अगर कहीं पर कोई टकराव मिलेगा किसी लॉ, किसी यूजेज, किसी कस्टम या किसी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट का अगर टकराव, इनकंसिस्टेंसी मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, तो what shall prevail over the other? Contract Act shall prevail over that custom, over that usage, over that incident or that law. समझ में आया? तो जहां तक तो inconformity है, तब तक contract भी valid, contract act भी valid है, और वो usage, वो custom, वो incident of contract भी valid है. लेकिन जहां पर contradiction हो गई, तो what will prevail in the case of contradiction? Indian Contract Act shall prevail. Is my point clear? ये है interpretation of a statute. समझ में आया? और आगे चलते हैं हम. Next, अब interpretation clause पर आते हैं. ठीक है? Section 2 ज़्यादातर laws का जो definition portion होता है, वो कहाँ दिया होता है? वो दिया होता है section 2 में. Clear? Interpretation clause. In this act, the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. कि जहां पर भी ये words कुछ use होंगे, तो उनका ये मतलब निकाला जाएगा, अगर अलग से provided नहीं है कि वहां पर इसका ये मतलब है. Unless a contrary intention. अगर contradictory intention है, तब कुछ और मतलब होगा. अगर कहीं पर दिया हुआ है कि यहाँ पर इस चीज़ ये मतलब समझा जाए, तो वही मतलब समझ जाएगा जो वहाँ दिया हुआ है. अदरवाइज ये मतलब हो जा होगा जो 2A, ठीक है, 2BCD, 2J तक है. क्लियर? ओके, अब और आगे चलते हैं हम. पहले मैं बेसिक समझाता हूँ इसके, ठीक है जी. और चलो चलते हैं आगे. Now, coming over again to the old document, section 1 to 10. ठीक है जी. अब applicable to whole of India, including the UT of Jammu and Kashmir now. अब ये UT of Jammu Kashmir पर भी apply करता है. कब से? Date of commencement 1st September 1872. अब कुछ questions आते हैं इसकी nature को लेकर. Nature of Indian Contract Act कैसी है? क्या ये universal law है? Answer Yes, it is universal. इसका मतलब है applicable to everybody, whether Hindu, ठीक है, और अब Muslim. It is not a sectional law. Clear? हर human being पर ये apply होगा भारत में. क्या ये exhaustive law है? Answer is no. This is not an exhaustive law. क्यों? ये हर contract को cover नहीं कर रहा. जैसे negotiable instruments की branch को cover नहीं कर रहा. पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है पर उसे कवर नहीं कर रहा. सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी ये कवर नहीं कर रहा.
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ये कवर नहीं कर रहा। इन सब के लिए स्पेशल लॉज है और वही स्पेशल लॉज इसके सभी प्रिंसिपल्स को कंटेन करते हैं। सो दीज आर नॉट कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देयरफॉर वी से दैट ICA 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं हम। आप में से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है साथ साथ पूछ सकता है। देन क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम अ बैक डेट। नहीं, ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी ये फ्यूचर डेट से अप्लाई हुआ था। इस पर सिग्नेचर जो हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, वो कब हुए थे? वो हुए थे 25 अप्रैल 1872, ठीक है, 25 अप्रैल। मगर ये एप्लीकेबल कब से हुआ? ये 25/4 को सिग्नेचर्स हुए थे, पर 1/9/1872 1 सितंबर 1872 को ये भारत में अप्लाई हुआ। तब ये सिग्नेचर्स हुए थे 25/4/1872। क्लियर? तो फ्यूचर डेट से हुआ इसलिए प्रोस्पेक्टिव हो गया। बैक डेट से अप्लाई होता तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होता। क्या बैक डेट से कभी कोई लॉ अप्लाई हो सकता है? आंसर इज यस। कौन सा लॉ हो सकता है? जो सिविल लॉज है वो बैक डेट से, यानी सिविल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। मगर जो लॉ क्रिमिनल है प्लस सब्सटेंटिव इन नेचर है, अगर ये दो बातें पूरी हो रही है, क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉज, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होते, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं। ये प्रिंसिपल कहां दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में ये बात गिवन है। और आगे चलते हैं। नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज नॉट फ्रॉम बैक डेट। आगे फिर क्या? इट कन्फाइंस इटसेल्फ टू द एनफोर्समेंट ऑफ वॉलंटरली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो नॉन वॉलंटरी सिविल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो आपने खुद जिसमें एंटर नहीं हुए हो, बाय लॉ जबरदस्ती आप उसमें चले गए हो, उस पर ये अप्लाई नहीं होता। मैं इसके अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसको गहराई में इस पॉइंट को अभी करवाने वाला हूं मैं। क्लियर? इट डजंट कवर द होल रेंज, ये पूरे के पूरे होल रेंज ऑफ सिविल ऑब्लिगेशंस को कवर नहीं करता। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑल अबाउट सिविल ऑब्लिगेशंस, बट इट डज नॉट कवर ऑल सिविल ऑब्लिगेशंस। देयर आर मेनी सिविल ऑब्लिगेशंस दैट आर नॉट कवर्ड by Indian Contract Act. It is based on English law of contracts, which is an unwritten law. ठीक है जी? जो law of contract है, it creates jus in personam as distinguished from jus in rem. ये क्या है? Jus means rights. Rights in India. Rights in person. यानी जिस इंसान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके खिलाफ आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। व्हाट इज जस एंड रेम? राइट्स अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट्स अगेंस्ट होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। क्या पूरी दुनिया के खिलाफ आपको वो अधिकार मिल जाते हैं? नहीं। जस इन रेम इज नॉट क्रिएटेड, जस इन पर्सोनम इज क्रिएटेड। ठीक है? सो व्हाट इज जस इन रेम? It means right against, right at large, right against a thing at large, right against whole world. Clear? और jus in personam क्या है? Rights against a specific person. चलें आगे. Then, अब इसे example लो. Mr. A owes an amount of rupees 10,000 to Mr. B. यानी A ने B को 10,000 रुपए देने हैं. अब मिस्टर बी का जो राइट है वो पैसे रिकवर करने का है, वो सिर्फ ए के खिलाफ ही है। बी ये नहीं कह सकता ए ने दिए तो अब सरकार मुझे देगी, एंड ओनली
सिर्फ मिस्टर ए से ही पैसे लिए जा सकते हैं, नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स. दिस इज नोन एज जोसिन पर्सन. ओके, और आगे चलते हैं. अब एक और, एक्स की 10 एकड़ लैंड है. यहां पर एक्स के पास पूरी लिबर्टी है टू एंजॉय द लैंड अगेंस्ट एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक. तो अब इसको क्या मिल गया, जस्ट इन रैम. ही हैज द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. ठीक है, ही कैन एक्सक्लूड होल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन. लाइकवाइज एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक इज हैविंग एन ऑब्लिगेशन दैट दे शुड नॉट डिस्टर्ब द राइट ऑफ मिस्टर एक्स. दिस राइट ऑफ मिस्टर एक्स इज नोन एज जोसेन रैम. अब जोसेन रैम और जोसेन पर्सोनम के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं. मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर. जैसे कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस. इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच क्रिएट ऑब्लिगेशंस एंड दोज ऑब्लिगेशंस विच हैव देयर सोर्स इन एग्रीमेंट्स. समझो कि जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा का सारा होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, ना ही ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है. पहला तो ये सिर्फ उन एग्रीमेंट्स को कवर करता है जो जो कि ऑब्लिगेशन पैदा करता है, और केवल उन्हीं ऑब्लिगेशन एंड दोज ऑब्लिगेशन को ही कवर करता है जो कि एग्रीमेंट्स पैदा हुए. कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है, ध्यान से एक बार इसको समझो. पहला, फिर से बोल रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ना तो सभी एग्रीमेंट्स को कवर करता है, और ना ही सभी सिविल ऑब्लिगेशंस को कवर करता है. ये केवल उन सिविल ऑब्लिगेशंस को कवर करता है जिसका जन्म कॉन्ट्रैक्ट में से हुआ है. ना तो ये सभी एग्रीमेंट्स को कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ना ही सभी ऑब्लिगेशंस को. ये सिर्फ उन ऑब्लिगेशंस को कवर करता है जिनका जन्म एग्रीमेंट से हुआ है. अब इस चीज को आपने अगर इलुसिडेट करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं अपने अगले सेशन में आपको इसके बारे में बताऊंगा. मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब अपने आप तलाशें और मुझे लिख के बताएं. ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका जवाब लिखेंगे, उसकी एक फोटो बिल्कुल क्लियर की पढ़ी जाए इजीली क्लिक करेंगे, हो सके तो कैम स्कैनर से उसको स्कैन करके हमारा जो चैट ग्रुप है उस चैट में आप डालें, मैं उसे चेक करूंगा और बताऊंगा इस आंसर को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है. मैं क्रिएटिविटी चाहता हूं, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा रहा. हालांकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं पहले इस सवाल का जवाब लिखवा चुका हूं, डिक्टेट करा चुका हूं, वो भी बिना उसको देखे अपना दिमाग लगा के इस स्टेटमेंट को समझाएं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ना तो सभी एग्रीमेंट्स को कवर करता है. फिर आपको बताना होगा वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं दैट आर नॉट कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फिर आपको बताना पड़ेगा कि यस इट कवर्स सिविल ऑब्लिगेशंस बट नॉट ऑल द ऑब्लिगेशंस, इट कवर्स ओनली दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच हैव देयर सोर्स इन एग्रीमेंट्स. वो ऑब्लिगेशंस जो एग्रीमेंट से पैदा हो रहे हैं, यानी आपको वो एग्जांपल्स देने होंगे. जो ऑब्लिगेशन तो है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये जो पैसे देने पड़ रहे हैं ये किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं देने पड़ रहे हैं, ये डैश 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 इन रीजंस की वजह से देने पड़ रहे हैं. समझ में आया? सो इन ऑब्लिगेशंस को हम कवर नहीं करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्लियर? सो ये आपका होमवर्क है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा लिखेंगे. मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपके एक एक सवाल के जवाब दूंगा. आपके जितने भी आंसर्स आप अटेम्प्ट करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको चेक करके उसकी इवैल्यूएशन करके आपको बताऊंगा उसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है. क्लियर? और मैं इसके साथ ही अपने इस सेशन को एंड करने जा रहा हूँ. कल से और प्रॉपरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे, हर चीज को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा. आपके जो कोई भी फ्रेंड्स हो जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्वाइन करना चाहते हो,
please inform them. I promise that you shall be given the best of the things. Okay? Bye-bye. See you. May God bless you. Have a great day ahead. So, I'm going to finish this session here. Bye-bye.